हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी को नमस्कार। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है आजकल नवरात्र चले हुए हैं, तो आज हमने अपने गांव में एक छोटा सा भंडारा रखा हुआ है और गांव में काली माता का मंदिर है, तो आज हम काली माता के मंदिर में शीश नमन करेंगे और वहां पे पूजा अर्चना करेंगे और मां का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और भंडारे की भी आपको जो झलकियाँ हैं वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा। सो चलते हैं सीधे माता के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, अभी पूजा की जा रही है और ये पंडित जी मेरे क्लास फेलो है नंदलाल जी, और जो सामने बैठे हुए ये हमारे ब्रदर है मुनीम साहब, मुनीम भाई जी, और ये है भांजा मनु कुमार। तो अभी पूजा की जा रही है और माता के भी आपको दर्शन कराते हैं अभी। तो लीजिए दोस्तों, माता के दर्शन करेंगे और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं जहाँ पे भंडारा तैयार किया जा रहा है और आपको मिलवाते हैं हम अपने रसोइयों से। ये देखिए दोस्तों, कढ़ी बनाई जा रही है मोहानी। ये हमारे रामलोक भाई है रसोईया, ये काफ़ी टाइम से रसोई कर रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, इन रसोइयों की सबसे ख़ास बात यह है कि जो भी हमारे भाईचारे में किसी भी प्रकार का फंक्शन होता है तो ये कोई पैसा नहीं लेता। ऐसा नहीं है कि ये हमें बाहर से बुलाए हुए हैं, ठीक है। तो इनसे हम थोड़ा बात करेंगे कि कितने टाइम से रसोई कर रहे हैं। तो ये हमारे रामलोक भाई जी है। तो भाई जी, कितने टाइम से रसोई कर रहे हैं आप? कर रहे हो ना, कम से कम 15 साल से। तो देखिए, 15 साल से रसोई कर रहे हैं और गांव में तो ये बिल्कुल फ्री करते हैं, किसी प्रकार के कोई पैसे नहीं लेते। और ये हमारे हैं शेर सिंह भाई, तो इनसे भी ज़रा पूछते हैं कितने टाइम से रसोई कर रहे हैं। तो भाई जी, कितने टाइम से रसोई कर रहे हो आप? 15 साल। तो ये भी 15 साल से रसोई कर रहे हैं और ये बहुत ही बढ़िया लाजवाब खाना बनाते हैं। और चलो, तो दोस्तों आपको थोड़ा अपने गांव के जो यंगस्टर हैं उनसे भी मिलाते हैं। ये बंटी जी है, अकाउंटेंट हैं, और ये जो पीछे खड़े हुए हैं, नाम बोलिए अपना, राम कुमार जी हैं, और ये सोनू कुमार हैं, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं और एक ही कंपनी में फिटर का काम करते हैं। और ये बिंदु जी हैं, और इन्होंने मोटर मैकेनिक की ITI की हुई है और अभी ये किसी कंपनी में काम कर रहे हैं बद्दी साइड। और ये शिव कुमार जी है, और ये भी अच्छे यूट्यूबर है, इनका भी अपना यूट्यूब का चैनल है, तो बताएंगे किस नाम से है। स्वारगढ़ एंटरटेनमेंट के नाम से है, यूट्यूब पे सर्च मारना स्वारगढ़ एंटरटेनमेंट, आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा। और ये देखिए भाई, ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, कुल्हाड़ी हाथ में पकड़ी हुई है और लकड़ी को चीर रहे हैं, क्योंकि ये लकड़ी का काम करते दीवान है। इनकी अपनी काफ़ी बड़ी शॉप है यहाँ पर फर्नीचर की। चलिए आपको एक और ब्लॉगर से मिलाते हैं, हिमाचल एंटरटेनमेंट के नाम से है इनका चैनल। तो ये भी ब्लॉगिंग करते हैं, बड़ी अच्छी ब्लॉगिंग करते हैं, वैसे अभी +2 में पढ़ रहे हैं ये। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको मिलाते हैं एक हमारे गांव के आर्टिस्ट से। ये काफ़ी तरह के वाद्य यंत्र बजा लेते हैं वैसे तो, लेकिन आज हम इनसे सुनेंगे बांसुरी। बड़ी अच्छी बांसुरी बजाते हैं और आप देख भी सकते हैं कितनी सारी बांसुरी रखी हुई है इन्होंने। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने बांसुरी पे जो धुन बजाई ये थी छोटी छोटी गईयां छोटे छोटे ग्वाल, ठीक है। बहुत ही अच्छा इन्होंने मधुर बजाया है, तो हमें उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आएगा। बोल सच्चे दरबार की जय।
बोल सच्चे दरबार की जय। चलो दोस्तों, माता का झंडा चढ़ा दिया हमने। तो दोस्तों, भंडारे के लिए देखो पूरियां तैयार हो रही है, और ये पूरियां बनाने वाली टीम, इसमें कुछ सीनियर पर्सन भी है, इनका बड़ा तगड़ा एक्सपीरियंस है, काफ़ी लंबे समय से पूरियां बनाते आ रहे हैं, 10-15 सालों से। Thank you.